हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिंक्य गढ़ाले फिटनेस। सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, लोग इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये कोई एक डिजीज़ है। आप तो देख रहे हो लास्ट 6 महीने से ये पैंडेमिक, ये जो एक वायरस ने लोगों को तंग करके रखा है, किसी की जॉब चली गई है, इतना सारा मेंटल प्रेशर आ चुका है, कोई डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ऑब्वियसली सब अपना अपना देखते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अब हमेशा लोगों को मेंटल हेल्थ जब भी बोलो, लोगों को लगता है कि मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल डिसऑर्डर, हमेशा लोग उसका नेगेटिव पार्ट ही लेते हैं। पर मेंटल हेल्थ हमेशा पॉजिटिव भी तो हो सकती है। आप हैप्पी हो, आपकी मतलब मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है। आप डिप्रेस हो तब आपकी मेंटल हेल्थ, ये नेगेटिव फैक्टर बोल सकते हैं। आप डिप्रेस्ड हो मतलब आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है। तो मेंटल हमेशा दो तरह की भी हो सकती है, हेल्दी एंड नॉन हेल्दी। तो आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ बेसिकली चीज़ों के बारे में कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करने में हेल्प करती है। आपको तो आप शायद शौक होंगे कि आप और लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ को अगर हमें ठीक करना है तो लोग क्या करते हैं, मेडिकेशंस लेते हैं। अरे जो प्रेशर यहाँ दिमाग में है उसको गोली खाने से कैसे ठीक कर सकते हो यार? अगर एक गोली से ठीक होने लगता है ना तो दुनिया में यूनाइटेड स्टेट के एक मेडिकल अलायंस ने रिसर्च करके रिपोर्ट निकाली है, इन एवरी 5 पीपल एक मेंटल हेल्थ का हर साल शिकार होता है। अब मतलब सोचो 5 लोगों में एक बंदा, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने हुए, मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 1/5 जो पॉपुलेशन है वो मेंटल हेल्थ से गुजरती है। एंड दिस इज़ नॉट फनी नाउ, दिस इज़ क्वाइट सीरियस। और मेंटल हेल्थ को कोई गोली से ठीक करने वाली चीज़ नहीं है, यू हैव टू स्पीक इट आउट। मेंटल जो दिमाग में प्रेशर चल रहे हैं आपको, और जो बोलते हैं ना आपको कोर्ट्स में, द वन हु लाफ्स द मोस्ट इज द लोनली पर्सन, से बोलने के लिए सहमत रखा है उसके ऊपर, उसको पूछोगे नहीं यार क्या हुआ, थोड़ी हेल्प तो कर दो यार, आउट ऑफ द वे जाके जो हेल्प करनी होती है। बट आज पॉइंट वो नहीं है, मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा इन जनरल कि आप फिजिकल हेल्थ से अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्टअप कर सकते हो। सो आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब भी आप कोई स्ट्रेस्ड होते हो या फिर डिप्रेस्ड होते हो तो आपके जो ब्रेन में ना एंडोर्फिन्स नाम के टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, उसके वजह से आप हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, आपको हमेशा लो फील करते हो। बट आप अगर 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ जाके जिम हिट करना है, आप चाहे तो डांस करो, एक 30 मिनट के वॉकिंग के लिए चले जाओ, या फिर योगा करो, कुछ भी करो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो, अगर 30 मिनट भी दिन का करते हो ना, जो माइंड में आपके जो एंडोर्फिन्स है, जो टॉक्सिन्स, वो निकल जाएंगे, आप लिटरली एकदम अच्छा फील करोगे, फ्रेश फील करोगे, और आपका माइंड मतलब बोलते हैं ना एकदम स्टेबल हो जाएगा। और वो एक ऐसा 70% चांस है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो क्योर हो जाए। एंड इसके साथ आता है कि आप हेल्दी डाइट, बेसिकली आप डाइट कुछ भी बाहर का खाते हो यार, और बहुत ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं मिलता है तो वीकनेस होती है, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काम एक्चुअली इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप अपनी डाइट को भी हेल्दी रखो, एक 30 मिनट रोज़ का देना कुछ बड़ी बात नहीं है, और वो भी खुद की बॉडी के लिए। आपको तो लगता रहेगा कि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी जो मसल्स है मसल्स बढ़ रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करेगा? नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट होता है। आपकी स्लीप साइकिल भी बेटर होती है। अब वर्कआउट करो या फिर जॉग, जो भी करना है करो, और जाके फिर उस दिन रात को सोओगे ना, आपकी लिटरली नींद बहुत अच्छी पूरी होगी, अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। तो ये मेंटल हेल्थ कोई बीमारी नहीं है, मेंटल हेल्थ इज नॉर्मल। आप जब बात करोगे उसके बारे में, लोगों को उसके बारे में बताओगे कि इफ़ यू आर फीलिंग लोनली और इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो आप किसी को हेल्प आउट कर सकते हो। और प्लीज़ ये जो वीडियो है ना, जितना हो सके शेयर करो यार, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से जो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस्ड हो उसकी हेल्प हो जाए, उसकी आप जान बचा सको। और आप तो देख ही रहे हो लास्ट मंथ से क्या हो रहा है, जो बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी है वो भी सुसाइड कर रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था उससे बात करने के लिए। बट और अब नहीं, #ब्रेक द चेन, वी हैव टू डू दिस, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, सो दैट कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे लगेगा कि ये जो मेरा मोटिव था आपकी तरफ बताने का कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ डिजीज़, ये पूरा होगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ क्वाइट क्रूशियल।